Asalaamu Alaikum, dear viewers, Khan, welcoming you on behalf of MathsBox. I am here to deliver lecture number 8 of set theory that will deal with basically cross partitions and total number of partitions of a set. डियर ऑडियंस हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर जिसका लेक्चर नंबर एट आज हम डिलीवर करने लगे हैं हमारा काम चाह रहा था पार्टीशंस पर पार्टीशंस को ही आगे प्रोसीड करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी में भी और आगे जाके भी आपके काम आने वाला है लेक्चर का बाकायदावाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस करें ताकि चैनल की रिसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें तो मूव करते हैं आज आज का टॉपिक हमारा है क्रॉस पार्टीशन क्रॉस पार्टीशन की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पहले पार्टीशन का लेक्चर क्लियर करना पड़ेगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्रीवियसली पहले उसको गो थ्रू कर लें तब आपको क्रॉस पार्टीशन समझ आएगी अदरवाइज नहीं समझ आएगी क्रॉस पार्टीशन बेसिकली दो पार्टीशन या दो से ज्यादा पार्टीशन हो तो तब आप क्रॉस पार्टीशन डिफाइन कर सकते हैं बहुत सिंपल सी मैं नोटेशन लिखने लगी हूँ क्रॉस पार्टीशन की वो ये है फिर मैथमेटिकल एग्जाम्पल से आपको उसको समझा दूंगी अच्छा आपके पास दो पार्टीशन हैं ठीक है आपके पास क्या है दो पार्टीशन हैं किसी भी सेट की मैं लिख लेती हूं लेट ए वन ए टू अप टू ए एम एंड बी वन बी टू अप टू बी एन ठीक है आर पार्टीशंस पार्टीशंस हैं ऑफ एक्स पार्टीशंस ऑफ एक्स हैं तो ये भी वो तीन प्रॉपर्टी पार्टीशन वाली प्रीवियस लेक्चर वाली फुलफिल करेंगी ये भी फुलफिल करेंगी ठीक है देन एक पार्टीशन नहीं जिसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि आप ए आई का इंटरसेक्शन लें किसके साथ बी जे के साथ और फिर उसमें से आप डिलीट कर दें क्या माइनस कर दें मतलब एम सेट तो इस को आप क्या कहते हैं इज कॉल्ड क्रॉस पार्टीशन ये नई पार्टीशन बनी है इसको आप कहते हैं क्रॉस पार्टीशन आम अल्फाज में ये है कि दो पार्टीशन दी होंगी दोनों के मेंबर्स का आपने इंटरसेक्शन लेते जाना है लेकिन जब जब एम आएगा उसको निकालते जाना उसको नहीं लिखना एम को नहीं लिखना बाकियों को लिखते जाना है एग्जाम्पल इसकी कोट करते हैं ये क्वेश्चन भी है आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर उन्नीस बनता है आपके पास अगर एक्स है उसमें एलिमेंट्स हैं वन टू सोन अप टू एट नाइन ठीक है इसकी एक पार्टीशन आपने कह दी उसने खुद से दी होगी अगर क्रॉस पार्टीशंस निकालनी है तो पार्टीशन पहले आपको दी होंगी वन थ्री फाइव सेवन नाइन और दूसरा इसमें है टू फोर सिक्स एट ये पार्टीशन नंबर वन हो गई और चलो मैं इधर लिख लेती हूँ ताकि मैं उसको पार्टीशन नंबर टू वो आपको क्या कह रहा है पार्टीशन नंबर टू में वन टू थ्री फोर है फाइव सेवन है उसके बाद और है लेक्चर को लास्ट तक सुनना है क्योंकि लास्ट में मैं आपको बेल्स नंबर सिखाने वाली हूँ उसका टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजे का है और आप आसानी से विद इन अ सेकंड बता सकेंगे कि किसकी कितनी पार्टीशन बन सकेंगे ये दो पार्टीशन हैं आपने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है यू आर सपोज टू फाइंड आउट द क्रॉस पार्टीशन ठीक है आप क्रॉस पार्टीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है क्रॉस पार्टीशन के लिए इस डेफिनेशन को आपने फुलफिल करवाना है इस डेफिनेशन को फुलफिल करवाने के लिए आपने पी यहाँ पर लिख लेना है ये क्रॉस पार्टीशन है आपने इनके मेंबर दो पार्टीशन के मेंबर्स का इंटरसेक्शन लेना है इसका और इसका इंटरसेक्शन लीजिएगा इन दोनों का अगर आपने इंटरसेक्शन लिया तो दोनों में वन और थ्री कॉमन आ रहा है वन और थ्री लिख दिया यहाँ पर फिर इसका और इसका इंटरसेक्शन लें आपके पास फाइव और सेवन रहा है वो यहाँ पर लिख दिया फिर इसका और लास्ट वाले का इंटरसेक्शन लें आपके पास उसमें नाइन कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन में फर्स्ट वन इसके साथ मैचअप करें टू फोर आ रहा है ठीक है इसको और इसके साथ इंटरसेक्शन लें तो नहीं आ रहा नहीं आ रहा एम टी आर है एम टी को आपने यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि उसने डेफिनेशन में डिलीट कर दिया हुआ है निकाल दिया हुआ है एम टी सेट को यही बेसिकली चीज सिखानी होती है आपको किस में यही सब बेसिस में और क्रॉस पार्टीशन में डिफरेंस होता है ठीक है अच्छा इसके साथ लेने से इंट, इंटर इंटर सेक्शन एम टी आए वो हमने यहाँ खाली सेट नहीं लिखना है एम टी सेट नहीं लिखना इसको उठा के इसके साथ मैच करें तो आपके पास क्या आएगा एट तो अभी जो मैंने ब्लू में लिखा है ये बेसिकली क्या है ये क्रॉस पार्टीशन है इन दोनों पार्टीशंस की और ये दोनों पार्टीशंस किसके लिए डिफाइन की हैं एक्स के लिए, लिए. मतलब आप कह सकते हैं दिस इज क्रॉस पार्टीशन ऑफ दिस सेट एक्स अच्छा अब वही एक थ्योरम उसने दे दिया बेसिकली uh, ये क्वेश्चन नंबर एटीन बनता है तो कहते हैं दो पार्टीशंस हैं और देन पी वन इज क्रॉस पार्टीशन ये आपने प्रूव करना है ठीक है क्रॉस पार्टीशन है है तो पार्टीशन ना ठीक है तो हमने पार्टीशन की सारी प्रॉपर्टीज़ इस पर फुलफिल करनी है तो आसान है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बहुत सिंपल है इसका प्रूफ देखते हैं पहला हम लोगों ने ये करनी होती है मैं यहाँ पर पार्टीशन की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाई हैं वो मैं लिखने लगी हूँ कि ये क्रॉस पार्टीशन बनती है किसकी एक्स की तो एक्स को लिखा जाना चाहिए यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस पार्टीशन और इसके मेंबर्स आपके पास क्या है ए आई इंटरसेक्शन बी जे मतलब जब इस पार्टीशन के एलिमेंट्स का मैं यूनियन लूं तो दोबारा मेरे पास एक्स बनना चाहिए पहली प्रॉपर्टी ये है दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास ये होनी चाहिए कि मैं जब इनके मेंबर्स का इंटरसेक्शन लूं मतलब ए आई इंटरसेक्शन बी जे ये पहला मेंबर है और दूसरा मेंबर मैं ले लूँ ए आई प्राइम इंटरसेक्शन बी जे प्राइम ये दो मेंबर्स गए इनका इंटरसेक्शन किस इक्वल आना चाहिए एम टी के इक्वल आना चाहिए अगर ये दो प्रॉपर्टीज आपके पास फुलफिल हो जाती हैं तो आपके पास ये जो आपने चीज लिखी हुई है क्रॉस पार्टीशन वो डिफाइन करेगी अदरवाइज नहीं ठीक है तो प्रूफ की तरफ चलते हैं बहुत सिंपल है प्रूफ क्या कहता है कि आपने एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेंबर्स लिखना है तो आप लेट कर लें आई शुड चेंज द कलर लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स अगर एक्स कैपिटल एक्स में है तो उसने पहले से दे रखा है कि ये और ये पार्टीशंस हैं अगर ये पार्टीशंस हैं किसकी एक्स की तो ये लाजमन इस पार्टीशन के किसी सेल में होगी और यही एक्स जो है इन इस पार्टीशन के किसी न किसी सेल में होगा क्योंकि तो पार्टीशन की डेफिनेशन यही होती है कि स्पेस का एलिमेंट किसी ना किसी सेल में लाजमन मौजूद होगा अगर वो पार्टीशन है तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर फॉर सम आर एंड X belongs to BS for some S as AI BJ are partitions of X. कि क्योंकि ये ए आई और बीजे जो है पार्टीशन एक्स की इसका मतलब है एक्स का हर मेंबर किसी ना किसी सेल में मौजूद होगा और वो सेल जो है इस पार्टीशन के जिस सेल में एक्स मौजूद है उसको मैंने ए आर का नाम दे दिया है और इस पार्टीशन के जिस सेल में एक्स मौजूद है उसको मैंने बी एस का नाम दे दिया है अब जरा आप यहाँ पर गौर करें कि अगर कोई चीज़ ए आर में भी है ए एस में भी है इसका मतलब है कि एक्स फिर क्या होगा उनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा ठीक है, उनके इंटरसेक्शन में मौजूद होगा किसी एक मेंबर में तो चला गया अब बाकी मेंबर्स में वो हो या ना हो जब हम उनका यूनियन लेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनियन में चला जाएगा क्योंकि यूनियन की कंडीशन होती है किसी एक सेट में मौजूद होना चाहिए तो मैं यहां पर क्या कह सकती हूं मैं यहां पर यह कह सकती हूं कि आपके पास जो यूनियन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बीजे है वो किसकी इक्वल आ चुका है एक्स के इक्वल क्यों क्योंकि एक्स अगर इसमें है ए आर बी एस में बाकियों में अगर नहीं भी है तो उनके साथ मैं यूनियन लूँ तो एक्स यूनियन में चला जाएगा और यूनियन जब लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा मतलब शुरू आपने एक्स में किया था एक्स कंटेन कर जाएगा किस में इस चीज में और यूनियन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी जे तो वो तो लाजमन कंटेन करता होता है एक्स में तो दोनों की इक्वलिटी को जब आप कंटेनमेंट को इकट्ठा करेंगे तो इक्वालिटी का यहाँ सिंबल आ जाएगा मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी जे पहली प्रॉपर्टी पूरी हो चुकी है सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ जाना है सेकेंड प्रॉपर्टी में वो आपको क्या कहता है कि आपने दो मेंबर्स लेने हैं और उनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आना चाहिए आपके पास फाइव के इक्वल आना चाहिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्ज्वाइंट नहीं है हमने प्रूव करना है कि वो डिसज्वाइंट है हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि वो डिस्च्वाइंट नहीं है ठीक है सपोज ए आर इंटरसेक्शन बी एस एंड ए आर प्राइम इंटरसेक्शन बी एस प्राइम आर नॉट Disjoint, वो डिसज्वाइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उनका इंटरसेक्शन एम टी नहीं है अगर तो वो disjoint होते तो उनका इंटरसेक्शन एम होता अभी इनका इंटरसेक्शन एम नहीं है इनका इंटरसेक्शन एम टी नहीं है इसका मतलब है इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन है ठीक है एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ज्यादा से ज्यादा हो जाए लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होगा तो हम लोग लिख सकते हैं देन कोई एक एलिमेंट है जो इनमें कॉमन है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम टी नहीं आ रहा वो एलिमेंट हमने वाई कह दिया अब y इस भी है, y इस भी है इसका मतलब है कि वाई बिलोंग कर गया किससे ए आर इंटरसेक्शन बी एस से एंड वाई बिलोंग कर गया किससे से ए आर प्राइम इंटरसेक्शन बी एस प्राइम से जरा यहां गौर करें कि वाई इसमें है इसका मतलब है वाई बिलोंग कर गया ए आर से एंड वाई बिलोंग कर गया किससे से बी एस से सिमिलरली यहां से वाई बिलोंग कर गया किससे से ए आर प्राइम से और एंड वाई बिलोंग्स टू बी एस प्राइम ये जो ए आर और ए आर प्राइम है वो सेल्स हैं इस पार्टीशन के बी एस और बी एस प्राइम जो है वो सेल्स हैं इस पार्टीशन के अगर ये पार्टीशन हैं तो इसका मतलब है कि ये जो वाई अग वाई अगर ये पार्टीशन डिफाइन करते हैं तो वाई किसी एक ही सेल में हो सकता है ना ये दूसरी कंडीशन हमने पार्टीशन की पढ़ी है कि एक एलिमेंट एक ही सेल में हो सकता है दो सेल्स में नहीं हो सकता अब उसने कहा ये पार्टीशन हैं ये एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जो वाई है वो दो सेल्स में मौजूद है अगर वो दो सेल्स में मौजूद हो तो पार्टीशन की डेफिनेशन ही नहीं पूरी होती तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज इसकी पार्टीशन है तो हमने यहां से ये कंक्लूड किया कि जो वाई है ये तो एक ही एलिमेंट है ए आर और एस ये एक सेल है क्योंकि पार्टीशन की डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट एक ही सेल में आ सकता है तो ये इसमें भी है ये इसमें भी इसका मतलब है ये दोनों सेम है यहां से आपने क्या कंक्लूड कर लिया यहाँ से आपने कंक्लूड कर लिया कि ए आर इज इक्वल टू क्या है ए आर प्राइम है और आपके पास बी एस वो किसके इक्वल है बी एस प्राइम क्यों क्योंकि बी एस पार्टीशन है पार्टीशन है तो पार्टीशन के हर सेल में एक एलिमेंट एक ही सेल में आ सकता है तो वाई यहाँ बी एस में भी है वाई बी एस प्राइम में है हम ये नहीं कह सकते कि बी एस और बी एस प्राइम दो डिफरेंट सेल हैं अगर दो डिफरेंट सेल हैं और उसमें एक जैसा एलिमेंट आ रहा है तो वो तो पार्टीशन डिफाइन ही नहीं कर सकते लिहाजा ये दो डिफरेंट सेल नहीं है ये दो इक्वल सेल्स हैं यहां से हम लोगों ने मजीद क्या अखज़ किया यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो फिर ए आर इंटरसेक्शन बी एस होगा ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी ए आर प्राइम बी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बी एस प्राइम तो ये तो क्या आ गए सेम आ गए सेम आ गए हैं, ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसज्वाइंट नहीं है ये बात हमारी गलत हो चुकी है जो हमने कहा था कि आर नॉट डिसजॉइंट ये तो आपस में क्या आ गए डिसजॉइंट ठीक है क्योंकि ये सेम आ गया ना यूनिकनेस आ गई है आपकी के वो जो दो डिफरेंट लिए थे वो सेम आ चुके हैं तो यहां से आप क्या कह सकते हैं सेल्स आर म्यूचुअली डिसज्वाइंट सेल्स आर डिसंट सेल्स आपके पास क्या आ गए डिस और इक्वल आ गए ठीक है तो पी आपके पास क्या बन जाएगी पी इज पार्टीशन पी इज पार्टीशन बेसिकली क्रॉस पार्टीशन क्योंकि ये डेफिनेशन अब पूरी हो चुकी है ठीक है ऑफ एस किसी सेट एस की उसकी जो टोटल पार्टीशन बनती हैं वो एफ एन के हैं और यहाँ पर जो एन है वो आपके पास क्या है एलिमेंट्स हैं मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स हैं एक प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एस इज इकुल टू ए बी सी डी तो उसमें चार एलिमेंट्स हैं तो एन फोर और के क्या है उसके सेल्स हैं लास्ट टाइम हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में सारा कुछ आपको सिखाया गया आपका टारगेट क्या है फाइंड रिकरियन फार्मूला ऑफ फॉर क्या आपने रिकरियन फार्मूला यूज करना है एफ एन के लिए दूसरे अल्फाज में वो आपको ये भी कह सकता है कि प्रूफ स्ट्रीरलिंग नंबर ऑफ सेकेंड काइंड क्या कर सकता है दूसरे नंबर पर ये क्या कह सकता है प्रूफ स्ट्रीरलिंग फार्मूला या नंबर स्ट्रेरलिंग नंबर ऑफ सेकेंड काइंड ठीक है दो तरह से आ सकता है इसको प्रूव करते हैं बहुत सिंपल है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप क्या करते हैं कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट वन लें या नंबर ऑफ सेल वान लें मैं लिख के बता देती हूं एफ एन वन इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट जितने मर्जी हो सेल क्या हो एक हो तो उसका आंसर हमेशा आपके पास वन आता था मतलब मैंने फोर लिया हुआ था ना तो ए बी सी डी मतलब मेरे पास एस क्या था मैं यहां पर लिख देती हूँ ए बी सी डी तो ऐसा आ, ऐसी पार्टीशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल था वो सिर्फ खुद ये था मतलब मैंने एक पार्टीशन बनाई थी लास्ट लेक्चर में पी फाइव के नाम से वो ये खोद दी था ठीक है तो वो ये कहता है कि नंबर ऑफ ऑफ पार्टीशन विद 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 अ सेल एलिमेंट बट सेल वन एक सेल हो वो हमेशा वन आता है ठीक है एंड इसी तरीके से पहली वाली भी यूनिक होती है कि अगर आप एन एलिमेंट्स लें और एन ही सेल बनाएं तो वो भी आपके पास हमेशा एक ही बनती है वो यूनिक होती है ठीक है सिंस इज ओनली वन वे टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ सेल्स ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली पार्टीशन जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों और एन ही सेल्स हों वो भी एक बनती है और ऐसी पार्टीशन जिसमें नंबर ऑफ सेल वन हो वो भी एक ही बनती है since there is only one way to partition s with n elements into either one cell or n cell ek hi option hoti hai now hum logo ne deal kis se sath karna hai now suppose n greater than 1 greater than 1 ke liye और साथ में ही आपके पास k पर condition क्या है कि वो one से बड़ी हो लेकिन n से छोटी हो क्योंकि one और n के लिए के आप ले चुके हैं ये देखें k आप यहाँ पर k है ना के वन के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं और के एन के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं अब इनके दरमियान में आपने लेना है कहता है कि आप ले लेते हैं लेट बी बिलोंग टू एस कोई एलिमेंट आपने एस में से ले लिया ठीक है और एंड सिंगलटन बी जो है मेक्स सेल बी को एलिमेंट लिया उसका सिंगलटन बनाया वो अगर आपके पास सेल बनाता है फिर क्या हो जाएगा देन उस सिंगलटन को जब मैं एस से माइनस करूंगी वो कितने नंबर ऑफ वेज में पार्टीशन हो सकेगा एक नंबर कम हो चुका है तो के माइनस वन में होगा उसके नंबर ऑफ सेल्स एक सेल बाय निकल चुका है तो बी माइनस बी सिंगलटन के सॉरी बी सिंगल्टन एस सिंगल्टन बी कैन बी पार्टीशन इनटू टू के माइनस वन सेल्स खुद आप अंदाजा लगाएं टोटल के सेल्स थे एक सेल बाहर निकल चुका तो बाकी जो सेट रह गया उसको कितने सेल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको हम के माइनस वन सेल्स में डिवाइड कर चुके हैं क्योंकि टोटल के था और इसमें से एक कम हो चुका है ठीक है इंटू के माइनस वन सेल इन अब जरा गौर करें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से एक नंबर ऑफ एलिमेंट आप निकाल चुके हैं एक्स माइनस एस माइनस सिंगलटन बी कर चुके हैं तो एन भी अब कम हो चुका है एन माइनस वन हो चुका है और उसके नंबर ऑफ सेल्स कितने हो चुके हैं के माइनस वन ठीक है ऑन द अदर हैंड ईच पार्टीशन एस सिंगल्टन बी इन के सेल ऑलवेज बी एडमिटेड टू द सेल इन के वेज कहता ऑन द अदर हैंड ईच पार्टीशन ऑफ एस डिफरेंस भी मतलब एक एलिमेंट कम होने के बाद जो आपके पास इसकी पार्टीशन बना करेंगी इनटू के सेल्स जो के सेल्स में हम डिवाइड करना चाहेंगे उसमें हमेशा वो अलाउ करेगा बी को कि वो उसमें के वेज में अटैच हो जाए के वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं लिहाजा हम लोगों ने इसके पार्ट कर दिए हैं फेन के के टाइम्स जो हैं वो इसके साथ पार्टीशन बना सकते हैं के सेल्स मतलब k इंटू एफ एन माइनस वन इसके लिए n माइनस वन एलिमेंट्स है ना ये देखें सिंगल टन में से माइनस कर चुके हैं एक तो n माइनस है और k सेल्स और फर्दर ये आप ऊपर लिख चुके हैं कि जब आप एक माइनस कर देते हैं तो आपके पास किधर गई वो चीज ये एफ एन माइनस वन के माइनस वन ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखी है ये बेसिकली आपके पास फार्मूला है रिकरियन फार्मूला कहते हैं बेसिकली और स्ट्रीलिंग फार्मूला या स्ट्रेलिंग नंबर ऑफ काइंड इसको कहते हैं और ये आगे हम इस्तेमाल करने लगे हैं नंबर ऑफ पार्टीशन को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एन वन फॉर्म सिमिलर टू पास्कल ट्रायंगल पास्कल ट्रायंगल बेसिकली नंबर ऑफ पार्टीशन या कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है तो वो हम प्रीवियसली uh, जो हम लोगों ने फार्मूला श्रीलिंग नंबर ऑफ सेकंड फॉर्म निकाला है सेकंड काइंड वो हम लोग यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास है एफ़ एन के इज इक्वल्स टू के एफ एन माइनस वन के और प्लस एफ एन माइनस वन के माइनस वन तो इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास एफ सिक्स फोर यहाँ पर के की वैल्यू फोर एफ एन माइनस वन आपके पास क्या आ जाएगा फाइव और ये फोर प्लस एफ यहाँ पर आपके पास फाइव और थ्री इसको इक्वेशन नंबर वन कह के आप स्टॉप कर दें ठीक है अब बेसिकली यहाँ पर एक आप फार्मूला uh, यूज़ करने लगे हैं डायरेक्ट अप्रोच और uh, वो फार्मूला की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करेंगे uh, ये एफ फाइव एन और एफ फिफ्टीन एफ फाइव थ्री ये फाइव फोर फाइव थ्री निकालेंगे मतलब नंबर ऑफ पार्टीशंस नंबर ये बेसिकली क्या है दिस इसको बोलते किस तरह नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट विद फाइव एलिमेंट्स एंड फोर सेल्स नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट विद फाइव एलिमेंट्स एंड थ्री सेल्स ठीक है ये एलिमेंट्स होते हैं पहले वाले और ये आपके पास क्या होते हैं सेल्स ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ये आपके पास एलिमेंट्स और ये आपके पास सेल्स अब मैंने ऐसी नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड आउट करनी है जिसमें सेट में पांच एलिमेंट हो लेकिन उसके सेल्स कितने हों चारों हो, उसके लिए मैं फॉर्मूला यहां पर यूज करने लगी हूं एफ एन के एक नया फार्मूला आपने याद कर लेना है अपने नोट्स पे लिख लेना है ओवर फैक्टोरियल समेशन टू और यहाँ पर माइनस वन आई के आई बहुत वास्ट एप्लीकेशन है ट्रायंगल की बहुत ज्यादा चीजें इससे फाइंड आउट हो सकती हैं उनमें से एक ये है इसमें अब आपने वेरिएशंस देनी है मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ कॉम्बिनेशन और ये मैंने सब्सिट्यूशन कर दी है मतलब जहाँ जहाँ मेरे पास एन था वहाँ पर मैंने फ़ाइव पुट कर दिया और जहाँ जहाँ मेरे पास के था वहाँ पर मैंने फ़ोर पुट कर दिया है इसकी एक्सपेंशन देख लें वन ओवर फोर फैक्टोरियल आपके पास ट्वेंटी फोर होता है इसको मैं एक को एक्सपेंड करके आपको दिखा देती हूँ माइनस वन की पावर ज़ीरो फिर माइनस वन की पावर वन माइनस वन की पावर टू माइनस वन की पावर थ्री और कहाँ तक लेके जाना है माइनस वन की पावर फोर तक फिर इसी तरह से फोर सी जीरो हो जाएगा यहाँ पर फोर सी वन हो गया यहाँ पर फोर सी टू हो गया इधर फोर सी थ्री हो गया यहाँ पर फोर सी फोर हो गया यहाँ पर आपके पास फोर माइनस ज़ीरो की पावर फाइव फोर माइनस वन पावर फाइव फोर माइनस यहाँ पर वन है ये टू मतलब एक्सपेंशन आपको सिखा रही हूँ सिर्फ जिनको आती है वेल एंड गुड ये हो गया और इन सब में आपने क्या करना है एडिशन लगानी है कि ये टर्म है फिर ये टाम है इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो वन ओवर ट्वेंटी फोर यहाँ पर आ जाएगा वन जीरो टू फोर नाइन सेवेंटी टू वन नाइन्टी टू माइनस फोर यह आपके पास आ जाएगा टू फोर्टी टू फोर्टी बाई ट्वेंटी फोर तो ये आपके पास आ जाएगा टेन लिहाजा यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली दैट इज इक्वल टू टेन इसी तरीके से आप यही फार्मूला लगाएंगे किसके लिए एफ फाइव थ्री के लिए तो उसका आंसर आपके पास क्या बनेगा अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हम दोबारा आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे जब यही वाला फार्मूला आप फाइव थ्री पर लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा ट्वेंटी फाइव तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे फोर इन टेन टेन बी फोर्टी फोर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव तो एज अ होल आपके पास इक्वेशन नंबर वन आपके पास ये आपने पेपर में करना है ये पहले निकालना है फिर दूसरा इसके लिए निकालना है और फिर यूजिंग इन वन करके तो फोर मल्टीप्लाई वेन प्लस ट्वेंटी तो बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ एलिमेंट विद जो भी था पास्कल्स ट्रायंगल से वो आपके पास सिक्सटी फाइव आ चुका है ये वो चीज थी जिसको हमने कहा था कि हम आपको लास्ट में समझाएंगे फाइंड द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट विद एम इज इक्वल टू सिक्स एलिमेंट्स ठीक है तो मैं जरा इसको देख लूँ कि नंबर ऑफ पार्टीशंस टोटल क्या बनती हैं नंबर ऑफ पार्टीशन बेसिकली आपके पास बेल्स नंबर होता है क्या होता है बेल्स नंबर ये कितनी पार्टीशंस आप बना सकते हैं किसी सेट की ठीक है वो आपके पास बेल्स नंबर होता है ठीक है और बेल्स uh, नंबर आपको फाइंड आउट करने का मैं uh, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बता रही हूं बेसिकली बेल्स नंबर को फाइंड आउट करने का जो आपका फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है बी एन प्लस वन ये एडिशनल चीज है ठीक है आई इज इक्वल टू जीरो पर एक मिनट फार्मूला होता है समेशन के अप टू जीरो अप टू एन और यहां पर आता है एन सी के और आता है बीके ठीक है इसके लिए आपको क्या चाहिए मैं एक टेबल सिखा रही हूँ मैं इस कैलकुलेशन में नहीं जा रही मैं एक टेबल सिखा रही हूँ जो हिंट आपने याद रखना है जो बी नॉट होता है ना बी नॉट वो आपके पास हमेशा वन आता है मतलब एम सेट को आप क्या करते हैं सिर्फ ए की वे में क्या कर सकते हैं पार्टीशन कर सकते हैं इसी तरीके से सिंगल टन को आप बी वन बी वन का मतलब है ऐसा सेट जिस एक एलिमेंट हो उसकी नंबर ऑफ पार्टीशन कितनी होती हैं बी वन कहलाती हैं और उस एक एक एलिमेंट हो तो उसको एक ही वे में आप उसको आ, कर सकते हैं मैं ये कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रही मैं आपको एक टेबल बनाना सिखा रही हूँ टेबल बनाने से आप फॉरन जितने मर्जी एलिमेंट हो यहाँ पर एम सिक्स लिखा हो ना जितने मर्जी एलिमेंट हो आप बता सकेंगे कि, कि किस तरीके से है वो जरा देखिएगा यहाँ पर आ गया आपके पास वन ठीक है इसी नंबर को आपने यहाँ रिपीट करना है एक दो हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हमें समझ आ जाएगी अब वन इसके नीचे आ गया इन दोनों को ऐड कर दें इन दोनों को ऐड करने से आ गया टू अब टू के ऊपर कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई चीज ना हो उसको आपने यहां पर नीचे शिफ्ट कर देना ठीक है अब समझ आ गया होगा कि वन के नीचे वन कैसा है क्योंकि वन के ऊपर कोई चीज नहीं थी तो वन इधर ही आ गया था अच्छा अब इन दो ऊपर वाले नंबर्स को ऐड करें ऊपर वाले दो नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास क्या आया मतलब इन दोनों को मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ इनको ऐड किया तो मेरे पास आ गया थ्री अब इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा फाइव अब फाइव के ऊपर कोई चीज नहीं है तो जिसके ऊपर कोई चीज नहीं होगी वहां नीचे डायगनल में आ जाएगा अब आप क्या करेंगे अब आप पकड़ के इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे ठीक है पांच और दो सात अब इन दोनों ऊपर वाले दो नंबर्स को ऐड करना है क्या आ जाएगा आपके पास और तीन दस दस और पांच कितना हो जाएगा पंद्रह अब पंद्रह के ऊपर कोई चीज नहीं है पंद्रह को भाग के इधर कर लें भाई इसी तरीके से आप पंद्रह और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास बीस बन जाएगा इधर आप सात और बीस को ऐड करेंगे सताईस बन जाएगा इसको इसको ऐड करेंगे तो आपके पास सैंतीस बन जाएगा सैंतीस और पंद्रह को आप ऐड करेंगे तो आपके पास फिफ्टी टू बन जाएगा ये बेल्स टेबल बनाना सिखा रही हूँ आपको फिर फिफ्टी टू के ऊपर कुछ नहीं है तो इधर आ जाएगा फिफ्टी टू के आगे फिर आप ऐड करेंगे तो सिक्सटी सेवन बन जाएगा ठीक है सिक्सटी सेवन फिर आपके पास एट्टी टू बन जाएगा एट्टी सेवन बनेगा ये एटी टू जो भी वन वन फोर देख लीजिएगा वन वन फिफ्टी बन जाएगा और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू जीरो थ्री बन ठीक है अब इसको जरा देखिएगा आप कि आपके पास उसने कहा था सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स नंबर में लास्ट में आपके पास क्या आया है टू जीरो सिक्स तो आप क्या आपके पास आंसर आ जाएगा टू जीरो टू जीरो सिक्स टू जीरो थ्री तो ये बेल्स टेबल था आपके पास बेसिकली ये आपके पास ट्राई एंगल ट्रायंगल ट्राई एंगल ही बनती होती है ये देखें एक ट्राई एंगल ही बनती जा रही है आपके पास ठीक है पहली ट्राई एंगल ये थी दूसरी ये बन गई तीसरी ये बन गई तीसरी चौथी और ये पांचवी ये जो लास्ट नंबर है ये आपका आंसर है ठीक है अब आप क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ पार्टी इज एक स्टूडेंट्स ये था आपके पास आज का लेक्चर उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं यू आर ऑलवेज़ वेलकम बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें मैथ्स वॉक्सी टीम को दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिर